हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं अबाउट दिस वायटेरा क्लॉ बैग। ये मैंने परचेज़ किया था लास्ट वीक। इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है मैंने, मतलब क्योंकि मैंने स्टोर से ही जाके परचेज़ किया, ऐसे राइडर्स प्लानेट घिटोरनी से, गुड़गांव दिल्ली NCR में जो रहते हैं उन्हें पता होगा। तो स्टोर से मैंने जाके परचेज़ किया, अराउंड 4000 का पड़ा है ये मुझे। इसकी MRP आप देख सकते हैं कितनी है, 4299। आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट से। तो बहुत अच्छा बैग है ये, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैंने ये परचेज़ किया क्योंकि मेरी इंटरसेप्टर है जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एंड मैं उसमें अलग से कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं करना चाहता था। तो ये बैग जो है, क्लॉ का मतलब बेसिकली ये शेप ले लेता है आपकी बैग, आपकी सीट का, एंड ये सीट पर फिट हो जाता है। एंड ये एक तरीके से यहाँ पर भी आप सामान डाल सकते हैं, जो पार्ट्स नीचे निकले हुए हैं ना, ये अंदर से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी सामान आ जाता है एंड सॉर्ट ऑफ होल्ड्स योर लगेज ऑन टू योर बाइक, मतलब पकड़ के बैठ जाएगा क्लॉ की तरफ। एंड ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने बाइक से टाइटन करने के लिए, फास्टन करने के लिए। एडिशनली आपको अगर बंजी कॉर्ड्स यूज़ करना है, यू कैन यूज़, बट बिना बंजी कॉर्ड्स के भी काम चल जाएगा। तो मेन रीज़न व्हाई आई बॉट दिस बैग इज़, इसमें स्टोरेज तो हर किसी बैग में होती है, 72 लीटर्स का यह बैग है, डिसेंट साइज़, बहुत इनफ सामान है जो आ जाएगा इसमें। बट इसमें अलग से दो स्लॉट्स दे रखे हैं जिसमें 5-5 लीटर्स के जेरी कैन दोनों तरफ आ सकते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये अभी तो मैंने इसमें फिलहाल एम्प्टी सैनिटाइजर बॉटल्स डाले हुए हैं 5 लीटर्स ईच, तो 5 + 5 = 10 लीटर्स। फ्यूल आप कैरी कर सकते हैं, आपको एडिशनली कोई हिमालयन रैक या कोई जेरिकैन माउंट या कोई सैडल स्टे या ऐसा कुछ मॉड पैक लगा के आपको अलग से फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिस्टम में आपका सारा सामान आ जाएगा। एंड इट इज़ 100% वाटर प्रूफ। इसके ऊपर एक रेन कवर भी आता है एडिशनली, एंड ये रोल टॉप मैकेनिज्म से खुलता है, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, एंड अंदर भी अलग से एक रेन लाइनर, ये देख सकते हैं आप, एक और रेन लाइनर दिया हुआ है। सो अ वेरी यूजफुल बैग इफ एनीवन इज प्लानिंग अ लद्दाख राइड और समथिंग लाइक दैट। इसको मैं बाइक पे माउंट करके भी एक बारी वीडियो जरूर शेयर करूंगा, इसके बाद वाली क्लिप में आई एड ऑन टू इट, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए। ऊपर से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टोरेज के लिए स्पेस है, ऊपर भी स्टोरेज के लिए स्पेस है। एंड अगर आप इसके अलावा इस बैग के ऊपर कुछ माउंट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैप्स दे रखे हैं, आप इसको यूज़ करके अलग से ऊपर भी चीज़ें स्ट्रैप कर सकते हैं। तो यस, बहुत यूज़फुल बैग है। अभी मैं पैकिंग कर ही रहा हूँ, तो एक बारी पैकिंग मेरी कंप्लीट हो जाए तो मैं माउंट करने के बाद भी आपके साथ एक क्लिप शेयर कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इसी वीडियो पे। सो गाइस, आ लगे जिस पैक्ड एंड रेडी, एंड ये बैग पैक होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे इसकी कैविटी है, यहाँ से ना ये बैग खाली है, तो पैक होकर यहाँ पर भर गया, यहाँ पर भर गया, ये अच्छे से उठ गया है ऊपर की तरफ। तो जब मैं इसे सीट पर रखूँगा अपने पिलियन सीट पर, तो ये चीज़ सीट पर लगेगी, एंड ये साइड से थोड़ा वेट जब नीचे गिरेगा बैग का, तो ये अपने आप ऐसे क्लॉ हो जाएगा आपस में। एंड ये स्ट्रैप्स दिए हैं ताकि हम इसे बाइक से फासन कर पाए, पीछे भी दो स्ट्रैप्स हैं, एंड इसमें ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें जेरी कैंस डाले हुए हैं। इस जेरी कैन को मैंने प्लास्टिक बैग में रखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक जेरी कैन है 5 लीटर ईच, ये आप देख सकते हैं। सो यही बैग का USP है, और किसी बैग में सब मैंने प्रोविज़न देखा नहीं। एंड उसके अलावा एक और बैग है मेरा, ये सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा जिम बैग था, डफल बैग, इसमें मेरे टूल किट ये सब रखा हुआ है, एंड सारा सामान इसमें आया नहीं, तो एडिशनली मुझे एक और छोटा सा बैग रखना पड़ा। इसको शायद मुझे बंजी कॉर्ड से बांधना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ये भी फिगर आउट करना है अभी। तो बाइक पर एक बार बांधेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है फाइनल सेटअप। सो गाइज, दिस इज़ हाउ आर सेटअप लुक्स। बैग मैंने माउंट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड पीछे से मैंने इसको, एक टॉप रैक भी है मेरा, एंड एक बैकरेस्ट भी था, बैकरेस्ट मैंने निकाल दिया ताकि थोड़ा और पीछे आ सके, इधर भी थोड़ा और सामान आएगा। एंड इसको मैंने सीट पे ही माउंट कर रखा है, थोड़ा बैक सपोर्ट भी मिलेगा मुझे इससे। मैंने बैकरेस्ट के साथ भी लगा कर देखा था, मगर ये थोड़ा आगे आ रहा था, इतना कंफर्टेबल नहीं था, तो इसको थोड़ा और पीछे कर दिया मैंने बैकरेस्ट हटा करके। अभी फ़िलहाल मैंने इसे ऐसे माउंट किया है, एंड जो एक्सेस था उसको मैंने एक इसमें पॉकेट्स दे रखे हैं, उसमें डाल रखा है, जेरी कैंस अपने ये आ रखे हैं यहाँ पे, एंड सेम प्रोसेस अब मुझे यहाँ पे भी टाई करना है। बहुत इजी प्रोसेस है इसे निकालना बांधना, बस ये डीरिंग्स दे रखे हैं, डीरिंग्स बहुत स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक बारी बांध करके आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ मैं, वो कवर लगा देंगे उसके बाद। एक्स्ट्रा मैंने बंजी कॉर्ड्स रखे क्योंकि मेरा अभी भी थोड़ा बहुत लगेज है, ये दो छोटे छोटे बैग्स हैं, तो ये इसके ऊपर
और एक पीछे माउंट होंगी, तो हो जाना चाहिए। तो गाइस लगेज माउंट हो चुका है, कुछ ऐसी लग रही है अपनी गाड़ी और पीछे से कुछ ऐसी।